ये तक हमारा कार्यकर्ता चुनाव की ही तैयारी कर रहा है, असेंबली कल करा ली थी असेंबली का चुनाव, हम तो तैयार हैं। मगर ये कोई नेहरू गांधी का सरकार नहीं है साहब, जिसमें इमरजेंसी लगी हो और सारे फैसले सरकार करे। ये संविधान से चलने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वे निर्णय करेंगे। और मीडिया को क्यों, मेरा तो मानना है वो जहाँ निर्णय करना है वहाँ निर्णय करेंगे। खिलाफ करने के लिए 100 तरह की बातें आपके विरोधी करेंगे। अभी सीएए को चला, जब तक संपर्क नहीं होगा तो अमर सिंह जी नाम, उनका फोन नंबर, इतने लाभार्थी इनको दिए, अगले दो दिन हमें अपने आज से ही ये मानकर काम करना है कि हमारा विधानसभा चुनाव भी सिर पर है। ये तो मानते हो जितने वोट मोदी जी को मिलते हैं उतने विधानसभा में नहीं मिलते, तो आज जो लोग मोदी जी के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, मेरे को एक कॉपी दे दो, ठीक है जी। और उन 3001 ने बताया और 12-1202 ने बताया है? से जब हम उठेंगे तो आप में से मेरी बात को बुरा मत मानना, कोई बुरा माने तो पहले मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आपसे माफी मांग रहा हूं। हम करते क्या है, अभी कोई उठेगा, कोई सलाहिया जी से फोटो खिंचाएगा, सेल्फी खींचेगा, कोई नहीं काम हो रहे हैं उनको जो है लोगों के बीच जन जन में पहुंचाया जाए और लोगों के ध्यान जो है जिसको किसी चीज का पता नहीं है उसको भी पता चलेगा। आज प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उससे क्या होता। आप में से किसी ने उसका वीडियो निकाल कर डाला, बीजेपी जम्मू कश्मीर का पेज है फेसबुक का, वो कुछ बात लिखता है, कुछ बात डालता है, वहां से डाउनलोड करके अपने पास डाला। पकड़ के आप कहोगे वोट के बूथ तक ले जाओगे तभी है, मगर आपके विरोधी झूठी सच्ची बातें कहते हैं, आजकल रोज कह रहे हैं सीएए से कानूनी सदस्यता। नाम लेके आपको दो नेताओं की बता रहा हूं, हमारा वोट पिछली बार हमें 580 मिला, 750 वोट था, 250 नया वोटर बना ना। डीडीसी में हम अच्छी जीत गए, मगर अब हमारे पास हमने दूसरे दल के लोग भी ले लिए, मगर उस वोटर तक जाना हमें। आपने देखा क्या क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने आपसे कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाओ तो आधी आबादी को पेंशन देने की बात कर रहा है राहुल गांधी। और ये ठीक कब होंगे, ना ये फेसबुक से होंगे ना व्हाट्सएप से होंगे, ये जाकर होंगे। आगे बाद के ऐसे कोरोना वोटर है जो 5 साल में बढ़े होंगे, कोई बच्चियां शादी करके यहां आई होंगी, कोई बच्चे बढ़कर उम्र होके 18 पार कर गए होंगे, उनके वोट बने होंगे, उन सबको मिलना पड़ेगा, उन सबको समझाना पड़ेगा। देखिए लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, सबको उम्मीद रखने का हक है, मगर मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से एनडीए की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है उसके आधार पर तो मुझे कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जम्मू कश्मीर की 500 सीटों पर जीतेगी। क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन 5 सालों में 2019 के बाद अब क्या हुआ है, इन 5 सालों में कैसे टनल बने हैं, कैसे सड़क बनी है, कैसे
लोगों के घर पर पानी पहुंचाए, कैसे लोगों को आवास योजना के अंतर्गत मकान मिल रहे हैं, कैसे किसान सम्मान निधि से मिल रहे हैं, कैसे उम्मीद स्कीम और ये जो युवाओं से रिलेटेड स्कीम्स में राज्य सरकार उनको लोन दे रही है मुद्रा योजना के आधार पे, लोग कंपेयर कर रहे हैं। हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, फिर भी हमें मकान मिल रहा है बारामूला में, अनंतनाग में, उड़ी में, कुपवाड़ा में, जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलता वहां भयंकर तरीके से डेवलपमेंट हुई है। तो अब लोग कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमें मिसगाइड करके जिस तरीके से देश की मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ से विमुख रखा गया था, अब लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ डेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हैं और हम उसी की तैयारी में लगे। और जनता बहुत विश्वास के साथ आज लोगों में नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास है, चुनाव के लिए तैयार है। आपने देखा 3:10 बजे से लेकर अब 1:30 बजे, 1:45 बजे तक हमारा कार्यकर्ता चुनाव की ही तैयारी कर रहा है। कल करा ली थी असेंबली का चुनाव, हम तो तैयार है, मगर ये कोई नेहरू गांधी का सरकार नहीं है साहब, जिसमें इमरजेंसी लगी और सारे फैसले सरकार कर रही है। संविधान से चलने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इलेक्शन कमिश्नर कल यहाँ थे, खुल के नहीं बोल रहे, वे निर्णय करेंगे, वे निर्णय करेंगे। और मीडिया को क्यों, मेरा तो मानना है वो जहाँ निर्णय करना है वहाँ निर्णय करेंगे, रोज ये बयान चुनाव आयोग का देना थोड़ी ना होता। मैं तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी को, भाई तैयार हो ना चुनाव करो, हमारा कार्यकर्ता तो तैयार है, कल चुनाव हो हम कल तैयार है, मगर फैसला करना चुनाव आयोग का।